मध्य प्रदेश के बैतूल में सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। बैतूल के जिला अस्पताल में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर मानवता भी शर्मसार हो गई। दरअसल गुरुवार की दोपहर बैतूल के सेहरा अस्पताल से 55 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर बीमारी की हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया था। बुजुर्ग की हालत गंभीर थी, इसलिए उसे ड्रिप लगी हालत में एम्बुलेंस से बेटे के साथ जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बुजुर्ग कुंडूलाल जब जिला अस्पताल पहुंचे तो उनका बेटा हाथ में बाटल लेकर अपने पिता को पैदल ही इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहां डॉक्टर ने चेकअप किया और बेटे को पर्ची बनाने और कोविड सेंटर में भर्ती होने के लिए बोला। लेकिन जो बाटल उसके पिता को लगी थी वह बाटल बेटा पकड़े हुए था। इसी हालत में वह पर्ची बनाने गया, फिर गरीब और सीधे साधे पिता पुत्र पैदल ही कोविड सेंटर की तरफ चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि कोविड सेंटर कहाँ है, तो वह ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए। बेटा हाथ में बाटल पकड़े हुए और पिता के हाथ में नली लगी हुई थी। बुजुर्ग की स्थिति चलने लायक भी नहीं थी, लेकिन किसी ने उन्हें ना तो स्ट्रेचर दिलाया और ना ही व्हील चेयर दिलाई। बेशर्मी की हद तो तब हो गई, परेशान पिता पुत्र ट्रॉमा सेंटर पहुंचे तो वहां की नर्स ने पर्ची देखकर उन्हें कोविड सेंटर में जाने के लिए बोल दिया। उन्होंने यह भी जहमत नहीं उठाई कि मरीज को मदद देने के हिसाब से स्ट्रेचर या व्हील चेयर दिला दी जाए। बुजुर्ग मरीज कभी बैठ जाता कभी झुक जाता, यह देखकर ही लग रहा था कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस विधायक धर्मू सिंह ने इस मामले की निंदा करते हुए कहा कि हम कलेक्टर के अलावा उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत करके जांच की मांग करेंगे। स्वास्थ्य विभाग अपनी इस बड़ी लापरवाही पर पर्दा डालते हुए पिता पुत्र को ही गलत ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि पर्ची बनवाने के बाद वह डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे और सीधे ही अपने मन से कोविड सेंटर की तरफ चले गए। बुजुर्ग मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उनका कोरोना सैंपल कराया गया जो नेगेटिव आने के बाद उन्हें जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया है। सवाल है कि जिला अस्पताल में मरीजों के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट आता है, जहां मरीजों को स्ट्रेचर और व्हील चेयर उपलब्ध नहीं हो रही है, तो बाकी मरीजों के इलाज किस तरीके से हो रहे हैं, इसकी वानगी इसी मामले से देखी जा सकती है। सर, ये कल वृद्ध यहाँ आया था, कुंडूलाल नाम था उसका, और उसका बेटा बाटल पकड़े था, वो ड्रिप लगी थी और वो पैदल घूम रहे थे, भटक रहे थे अस्पताल परिसर में। क्या आपके संज्ञान में मामला है? आज मुझे इस बारे में पूरी तहकीकात किया है, इससे मालूम पड़ा है कि ग्राम सहरा से एक जो है ग्रामीण जो है रेफर किया गया था और वो अस्पताल आया था और ओपीडी में आया था। ओपीडी में डॉक्टर साहब ने बोला कि भर्ती का पर्चा बनाना पड़ेगा, भर्ती का पर्चा बना लो और हम भर्ती करते हैं। इसके बाद वो जो है व्यक्ति जो है उन डॉक्टर साहब के पास दोबारा नहीं पहुंच पाया करीब एक घंटे बाद। अच्छी नहीं कहना था कि उसको कोविड वार्ड में भेजा था भर्ती कोई भी कोविड वार्ड में या किसी भी वार्ड में भर्ती के कार्रवाई पूर्ण होने के बाद ही जाता है और वो कार्रवाई जो है उसने भर्ती कार्रवाई पूर्ण कराई नहीं थी, इसलिए कहा जाना कि वो भर्ती के बाद भटक रहा था, ऐसी बात नहीं है। जी सर, क्या हुआ पूरा मामला? मामला जो है उसके बाद में वो उसके जो परिजन है वो आए, उसको भर्ती कराया गया, उसका ऑक्सीजन लेवल वगैरह कम था, उसका कोरोना टेस्ट भी कराया गया और निगेटिव निकला। आज वो मरीज जो है आज की तारीख में मेल मेडिकल वार्ड में उपचाररत है। मेल मेडिकल वार्ड उपचाररत है। विधायक जी बताएं कि जो जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मेरी जानकारी में आई है किसी के माध्यम से भी कि कुन्नूलाल जो चूर्णी का है वो और बीमारी के कारण वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचा, जिससे उनको बाटल के यहाँ पर जैसे अस्पताल में अव्यवस्थाएँ। मेरे जो जानकारी में मैं इसको अपने संज्ञान में लेते हुए मैं कलेक्टर साहब से और भी ऊपर स्तर पर इसकी शिकायत करूँगा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में बीमारी जो कोरोना हो या जो अन्य बीमारी से भी ग्रसित हो उसको व्यवस्थित व्यवस्था करना चाहिए। लापरवाही है और इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं इसकी जानकारी कलेक्टर साहब या अन्य स्तर पर भी मैं इसकी जानकारी देकर इसको कार्रवाई करने के लिए मैं प्रेरित करूँ।